ठीक है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नू। निक्के कार केयर से आज फिर एक वीडियो लेके आए आपके लिए। मेरे पास एक वैगन आर आई है। ये वैगन आर भी देखिए स्टार्ट नहीं हो रही है। मार तो सेल्फ। इसमें ये भी मैकेनिक लोग पूरा सेल्फ ले रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही है। और मैं इसको दूसरी जगह स्कैन करने गया था। अब मैंने स्कैनिंग किया है वहाँ पर भी, लेकिन फिर भी अब एक बार आपको भी दिखाने के लिए मैं यहाँ पर, ये देखिए मैंने ओबीडी लगा दिया अपना। ओबीडी लगाने के बाद अब इसमें देखिए लाइट्स सब आ रही है। चेक लाइट भी प्रॉपर आ रही है, स्टेयरिंग की लाइट भी है और हमारा इमोबलाइजर की लाइट भी सब बराबर आ रही है। तो हम पहले अब स्कैन करके देखते हैं कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्या है। पकड़ो, अब देखिए ये मेरा थिंकगैड का सॉफ्टवेयर है, ये मेरा फ़ोन के साथ में कनेक्ट है। अब ये हम लोग मारुति इंडियन में जाएंगे, ओके करेंगे, ये ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो रहा है। मारुति न्यू में जाएंगे, ये न्यू मॉडल है, नहीं नहीं ओल्ड में जाएंगे, सॉरी। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। अब ये आ गया वैगन आर, इंजन कंट्रोल के सीरीज, ये इंजन के सीरीज मॉडल है तो के सीरीज में जाएंगे अपन। अब ये रेड फॉल्ट कोड बोल रहा है, अब रेड फॉल्ट कोड में जाएंगे तो यहाँ हमारे को नो ट्रबल कोड आ रहा है। देखिए इसमें दिख रहा है ना, नो ट्रबल कोड आ रहा है, कोई ट्रबल नहीं है। मतलब अभी कोई भी सेंसर और ऐसा कुछ प्रॉब्लम बता नहीं रहा है। उसके बाद मैंने ये करने के बाद में जो हमारा मेथड होता है टेस्ट लैम्प से चेक करते हैं, उस चीज़ से मैंने चेक किया। मतलब अभी हमारे को हमारा जो स्कैनर है वो नहीं बता रहा है कुछ। लैम्प है जो हमने जो वायरिंग टेस्ट करने के लिए, फ्यूज़ टेस्ट करने के लिए बनाए, देखिए हमने, ठीक है। अब हम इसका जो फ्यूज़ बॉक्स का बॉक्स है, हमारे जो फ्यूज़ होते हैं, मेन जो फ्यूज़ होता है इग्निशन का, FI का, ये देखिए FI फ्यूज़ लिखा है यहाँ, यहाँ इग्निशन का लिखा है। तो हम फ्यूज़ चेक करने के लिए टेस्ट लैम्प का इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए फ्यूज़ अभी चेक कर रहे हैं, फ्यूज़ एकदम ओके है जो FI का है। फ्यूज़ लगभग सभी ओके हैं। फ्यूज़ सभी ओके हैं, कोई फ्यूज़ उड़ा नहीं है। और रिले की बात आती है, जो रिले होता है, ये देखिए आखिरी वाला जो है FI फ्यूज़ है, FI रिले है। अब इसी रिले को मैं निकालता हूँ तो अंदर लाइट्स वगैरह चली जाती है, चेकलाइट वगैरह, तो हमारा रिले भी सही है, मतलब वो प्रॉपर काम कर रहा है। अभी फिर मैं जो हमारा दिमाग काम करता है उस समय से मैं पहुँचा, जैसे करेंट ना आने का। अब इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो फ्यूल है, जो मेरे को जहाँ तक डाउट है, अंदाज़ा हो जाता है, जो फ्यूल नहीं आ रहा है इसमें, मतलब पीछे से टैंक से ज़रूर आ रहा है लेकिन स्प्रे नहीं हो रहा है। अभी देखिए इग्निशन कॉइल की जो एक वायर होती है उसमें करंट आना चाहिए, उसमें आ रहा है प्रॉपर। अब ये जो हमारे इंजेक्टर है, इंजेक्टर की जो एक वायर है, जैसे दूसरी वायर कॉमन होती है, सेम कलर की होती है, ये देखिए दूसरी में नहीं आ रहा है। इग्निशन ऑन करने के बाद दोनों में करंट नहीं आ रहा है, इसमें एक में करंट आना चाहिए, जैसे इसमें जल रहा है ना वैसे एक में इसमें करंट आना चाहिए। अब ये करंट नहीं आ रहा है तो अब मैंने फ्यूज चेक कर लिया, सब ओके हैं करंट आने के कारण से। अब ये मैंने क्या किया, इसको टेस्टर के थ्रू ये प्लस में लगा दिए। प्लस में लगाने के बाद में, ठीक है जी, ये टेस्टर के थ्रू, बीच में टेस्टर है हमारा, बल्ब है, इसको मैंने करंट दे दिया यहाँ से, ठीक है। अब एक जन को बोले वहाँ से सेल्फ मारो, तो सेल्फ मारना है। अभी मेरे टेस्टर के थ्रू मैंने इसको पॉजिटिव करंट दिया हुआ है। हाँ स्टार्ट कर, ये देखिए अब गाड़ी मेरी स्टार्ट हो गई। मतलब इसमें इंजेक्टर में पॉजिटिव करंट नहीं आ रहा है। अब देखिए मैंने इसको निकाल दिया है, गाड़ी बंद हो गई। तो मतलब फॉल्ट हमारे को पकड़ में आ गया है कि इसके इंजेक्टर में प्लस करंट नहीं आ रहा है। अब ये प्लस करंट कहाँ से नहीं आ रहे, हम इस वायर के चाल को पकड़ते हुए जाएंगे, फ्यूज बॉक्स को खोलेंगे और
फिर ECM में जाएंगे, हो सकता है कि ECM से आउटपुट निकलता हो डायरेक्ट इंजेक्टर को, या बीच में कोई फ्यूज हो या रिले हो। अब ये वायर पर जाएंगे जब, क्योंकि जो इसमें से आउटपुट निकलता है रिले से, वो यहाँ तक, ये देखिए अब मैं आपको दिखा दूँ, मैं यहाँ तक चेक कर चुका हूँ, ये देखिए इन्हें मैंने अर्थ दे दिया। अब इग्निशन ऑन है ना उधर से? नहीं, ऑन करो, ऑन करो, या ऑन है, ऑन है, ये देखिए ऑन है इग्निशन। और जो यहाँ इस कलर की वायर है जो जा रही है उस तरफ, यहाँ तक उसका करंट बराबर आ रहा है, लेकिन ये यहाँ पर ये इस कलर की वायर, इसमें करंट नहीं आ रहा है। तो अब मेरे को ये वायर को पूरा देखना पड़ेगा फाड़ के, हो सकता है कहीं से वायर ब्रेक हो, कटी हो, चूहे ने काटी हो, या हो सकता है कि कई बार केस ऐसा आता है कि उसमें पानी पड़ पड़ के मॉइस्चर आके वो टूट जाती है, बीच से गल जाती है। तो मैं इसको पूरा वायरिंग खोलूँगा, उसके बाद फिर आपको वीडियो बना के दिखाता हूँ कि फॉल्ट एक्चुअली था कहाँ, उस चीज़ को अपन डायग्नोज करना। हाँ जी, हमने प्रॉब्लम पकड़ ली है, प्रॉब्लम हमने शॉर्ट आउट कर दी है, जो इस वायर में करंट नहीं आ रहा था वो हमारे को पकड़ में आ गया है। अब हम देखते हैं कि हमारी गाड़ी स्टार्ट होती कि नहीं। हमने जो बैटरी वैटरी निकाली थी सब फिटिंग वीटिंग कर लिया है, अब अपन सब बैटरी फिटिंग करके, ठीक है अभी हमारा सब लग गया है, प्रॉब्लम हमने दूर कर दिया है। देखते हैं स्टार्ट हो रही है कि नहीं गाड़ी हमारी। एक मिनट, पहले आपको मैं वो जो हमारा करंट नहीं आ रहा था वो आपको दिखा दूं, जो जिस चीज़ के लिए हम ढूंढ रहे थे कि यहाँ हमने डायरेक्ट करंट दिया था। ये देखिए इस वायर में हमने डायरेक्ट करंट दिया था, अब इग्निशन ऑन करो, इस वायर में हमने डायरेक्ट करंट दिया था, ये देखिए इग्निशन ऑन हो गया और बल्ब जल गया हमारा, यहाँ करंट आ गया है, ये देखिए है ना। मतलब हमने प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर लिया है, डायरेक्ट वीरेट सब हटा दिया है। अब स्टार्ट करो गाड़ी को, ये गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई। मतलब कहने का मतलब ये कि जो हमारा स्कैनर था, स्कैनर ने भी अपना काम सही किया कि उसने बताया कि इसमें सेंसर्स कोई ख़राब नहीं है। अब जैसे हमने डायग्नोस करते हैं कोई ट्रबल कोड नहीं आता है, तो जैसे चेक लाइट नहीं आ रही है, इमोबिलाइजर लाइट ब्लिंक कर रही है, ये चेक लाइट इधर देखिए कॉर्नर पे ये नहीं आती है, तो हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि ECM खराब है या कुछ ख़राब है। लेकिन अब इसमें चेक लाइट भी प्रॉपर आ रही थी, इमोबिलाइजर लाइट भी ब्लिंक नहीं कर रही थी, कोडिंग का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिर हमने स्कैन फिर भी किया, स्कैनर करने के बाद में हमको किसी सेंसर को ख़राब नहीं बताया, जैसे करंट और पेट्रोल ना आना, कई बार केम सेंसर क्रैंक सेंसर ख़राब रहता है, लेकिन वो सब ठीक था। फिर वो हमने देखा कि डायरेक्ट करके एक बार देखा जाए कि भाई इस जगह पे करंट नहीं आ रहा है, रिले के थ्रू वायरिंग जो अपन चेक करते हैं तो हमको पता लगा इस वायर में करंट नहीं आ रहा है, तो हमने इसको डायरेक्ट करके दिया, करंट डायरेक्ट किया तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो फिर हम उस चीज़ को ढूंढते रहे वायरिंग को, तो हमको वायरिंग में प्रॉब्लम मिला, तो अब प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो गया है। तो ठीक है, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, अब हम इसको कंप्लीट करके कस्टमर को हैंड ओवर कर देंगे। तो अब अगली वीडियो के साथ आपके साथ आएंगे, नई कोई गाड़ी के साथ जो स्टार्ट नहीं हो रही हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक और व्यू दें, ताकि मैं नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, जिससे मेरा भी नॉलेज और आपका भी नॉलेज बढ़े। तो थैंक यू वेरी मच सबको, धन्यवाद।